मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। और आज हम जिस गन के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज SR357। दिस इज नॉट SNR, दिस इज SR357। सेम कंपनी का है, क्रॉसमैन, और इसका FPS अप टू 450 है। मतलब जिसको बहुत ज्यादा FPS की जरूरत है, दे कैन गो विद दिस। 450 से ज्यादा FPS आई डोंट थिंक सो आपको BB रिवॉल्वर में कोई दूसरी गन में मिलेगा। दिस इज वाई दिस इज वन ऑफ द ग्रेट गन। और ये क्रॉसमैन के द्वारा बनाया गया है, आप देख सकते हो। क्रॉसमैन सिंगल एंड डबल एक्शन है, बीबी डलते हैं इसके अंदर, ये बीबीज हैं। 6 इसके अंदर कार्ट्रिजेस आते हैं। अब इसके बैक पे जाकर देखते हैं, इसकी थोड़ी सी हम बात करेंगे डिटेल्स के बारे में। आप देख सकते हो ये क्रॉसमैन एयरगन के द्वारा जो है बनाया गया है। दिस इज फ्रॉम USA। मैन्युफैक्चरिंग इसका जो होता है ताइवान में होता है। स्पेसिफिकेशन देखेंगे, ये रिवॉल्वर है। पावर सोर्स 12 ग्राम का CO2 है, ये डलता है इसके अंदर, इसी से पावर इसको मिलता है। बीबी है 4.5 mm का, मतलब 0.177। इंडिया में लाइसेंस नहीं लगता है। स्टील बीबी एयरगन शॉट एमुनेशन, मतलब स्टील बीबी। 6 कार्टेज पड़ते हैं, 6 सेल्स इसके अंदर डलते हैं जो रिवॉल्वर की तरह होते हैं। वेट इसका है 12 बेस, मतलब 0.85 ग्राम, मतलब 850 ग्राम का लगा के चलिए हम। लेंथ जो इसका है 11.5 इंच है। बैरल इसका स्मूथ है। साइड जो है इसका दोनों फिक्स्ड है, आगे का फिक्स्ड है, पीछे का एडजस्टेबल है। जो इसकी सेफ्टी है वो स्लाइड है, यहाँ पे इसका जो सेफ्टी लगा होता है। और वेलोसिटी अप टू 450 FPS है। तो चलिए एक बार इसको बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। ये है गन, ये गन है, और ये आप देखिए काफी कमाल का है। दिखने में काफी कूल लगता है। आई डोंट नो वीडियो में इसकी ब्यूटी आपको नजर आ रही है या नहीं, बट ये काफी अच्छी दिखने में है, वेरी नाइस। ये SR357, इसका जो यहां से बैरल है ये काफी रिजिड बनाया गया है, टैक्टिकल टाइप का बनाया गया है। और ये भी ताइवान में बनता है, आपको पता है डेनवेसन वगैरह सबके भी गन्स जो है ताइवान में है बनते हैं। ये वाला पार्ट अगर हम देखना बंद कर दें यहां से, तो डेनवेसन जो है 2.5 इंच उसी का बॉडी लगता है अगर हम इसको एक्सचेंज कर दें। ये बैरल अलग से लगाया गया है, और लंबे बैरल होने की वजह से जो है इसका FPS ज्यादा है। जिसको कि सॉलिड गन चाहिए, सॉलिड निशाना चाहिए, उसके लिए ये गन काफी अच्छी हो सकती है। ओह, थोड़ा टाइट था बिकॉज दिस वॉज अ ब्रांड न्यू, तो उसको अगर हम पुश करते हैं तो ये खुल जाएगा लाइक दिस। आप देख सकते हो क्या सही लुक आता है। तो ये इसके जो है 6 सेल्स हैं, और लुक एट दिस, ये काफी कमाल के दिखते हैं, असली साउंड जैसे दिखते हैं। इसी के अंदर बीबी चलता है, यहाँ पे आप बीबी लोड करते हो और इसे फायर करते हो, तो काफी अच्छा जो इसका सेल है। और इसके अंदर CO2 कैसे डालना है बहुत इजी है, जस्ट पुश इट बैक, इसको बैक करिए, इसके अंदर आप CO2 लोड करिए लाइक दिस, एंड यू स्टार्ट पुशिंग इट जब तक इसके अंदर का CO2 पियर्स ना हो जाए, इसको घुमाते रहिए। तो काफी इजी लोडिंग है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। एक बात का ध्यान देना है जो मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी इसके अंदर आप CO2 लोड करें, बहुत ज्यादा टाइट ना करें, ऐसा ना हो कि ये कट जाए और इसके अंदर कट जाए, इसके वजह से आपका जो है गन डैमेज हो जाए, और ये फिर आपको जो है रिपेयर करना भी बहुत मुश्किल है, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो दिस इज SR357। ऑर्डर करना है आपको, यू नो इट हाउ टू डू इट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करिए, वेबसाइट खुल जाएगा, हमारे वेबसाइट पर आकर के ऑर्डर कर लीजिए। अगर आपको ऑर्डर करने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कॉल करिए, एयरसॉफ्ट हमें कॉल करिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे, और व्हाट्सएप पे नंबर अलग से दिया हुआ है। अगर उस पर भी ना हो पाए तो प्लीज हमें मेल करिए airsoftgunindia@gmail.com, और वेबसाइट आपको पता ही है airsoftgunindia.com। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, हैव फन।